हाय फ्रेंड्स, मैं दीपक बोल रहा हूँ और स्टॉक गुरु दीपक चैनल में आपका स्वागत है। आज का अपना टॉपिक है मार्केट वीकली व्यू। मार्केट वीकली व्यू में हम लोग देखेंगे कि 28 फरवरी से लेके 4 मार्च तक मार्केट कैसा रहेगा। निफ्टी, बैंक निफ्टी और जिन स्टॉक में आपने मुझे पूछा है मैं यहाँ पर कवर करूँगा। दोस्तों, जैसे कि 1 मार्च को छुट्टी है मंगलवार को महाशिवरात्रि की, तो ये आने वाला वीक जो है कि हमको 4 ट्रेडिंग डेज मिलने वाला है। आने वाले वीक के पहले देखने के पहले हम लोग देखेंगे कि लास्ट वीक में क्या हुआ था और आने वाला वीक के लिए क्या रेंज रहेगा। लास्ट वीक में जैसे कि टोटल जियो पॉलिटिकल न्यूज़ के ऊपर से मार्केट पूरा चल रहा था, अप्स और डाउन चल रहा था बिकॉज ऑफ जियो पॉलिटिशियन न्यूज़। निफ्टी जो है कि 600 पॉइंट यहाँ पे वीक ऑन वीक डाउन है और बैंक निफ्टी 1100 पॉइंट। तो यहाँ पे मार्केट में जो है कि जियो पॉलिटिकल का कंप्लीट जो है कि इफेक्ट दिख रहा है। नेक्स्ट वीक में मार्केट का रेंज क्या होगा, तो मैंने ऑप्शन चेन के ऊपर देखा तो ऊपर 17,000 और नीचे सपोर्ट है 16,500। मेरा थोड़ा सपोर्ट इससे थोड़ा नीचे होगा, 16,200 के आसपास मेरा सपोर्ट यहाँ पे है। मार्केट में जैसे कि इतना बड़ा ये हो रहा है, अप्स एंड डाउन हो रहा है, तो हमको क्या करना चाहिए। तो जैसे कि गुरुवार को मार्केट बहुत गिरा था और जैसे जियो पॉलिटिकल न्यूज़ के बारे में मुझे बहुत सारे फ़ोन आ गए, मेरे स्टूडेंट्स या मेरे जैसे कि यूट्यूब के देखने वाले सब्सक्राइबर्स, उन्हें पूछा सर अभी क्या करना चाहिए, ऐसे मार्केट में क्या कर सकते हैं। तो देखिए, ये ना तो आपके बस में है कि मेरे बस में जियो पॉलिटिकल में क्या होगा, मार्केट कहाँ तक जाएगा। वैसे भी मैंने बहुत सारे टेक्निकल्स के डेली में आपको देते रहता हूँ कि मार्केट के टारगेट्स क्या आ सकते हैं, सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या आ सकते हैं। लेकिन ऐसे में क्या करना चाहिए, जब भी मार्केट इतना हमको 4-5% नीचे मिलता है तो हर डिप में आपको लॉन्ग टर्म के लिए अच्छे शेयर आप बाय कर सकते हो। मार्केट कितना नीचे जाएगा या फिर से यहाँ से रिवर्स होगा ये कोई नहीं जानता है, डिपेंड ऑन जैसे जियो पॉलिटिकल्स। बट आपको यहाँ पे बहुत अच्छे मौके मिलते हैं, तो हर डिप में आप पूरा नहीं खरीदना है, 5% या 10% ही आप खरीदो और बहुत ही अच्छा रिटर्न मिलेगा। सेम हमने हर जैसे कि जब कोरोना का ये था, डिप्स आया था, हमने सेम प्रैक्टिस किया था और बहुत अच्छी तरह रिटर्न मिला था मेरे स्टूडेंट्स को। कौन से स्टॉक खरीदने ये मैं आपको बताऊंगा। ज़्यादा से ज़्यादा आप इंडेक्स स्टॉक के ऊपर थोड़ा सा फोकस करो या जो स्टॉक अच्छे क्वालिटी के और गिरते हैं, जैसे कि टाटा मोटर्स, उस दिन आपने देखा होगा ऐसे बहुत सारे स्टॉक है। अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट्स में लिख दो, मैं आपको कौन से स्टॉक खरीदना है, कैसे आपको ये जो कि गिरावट में क्या करना है मैं बताऊँगा। स्विंग ट्रेडिंग वाले जो थे उनके टॉप लॉस हो गए या उनको ज़्यादा रिस्क है, तो जो स्विंग ट्रेडिंग कर रहे थोड़ा दिन के लिए थोड़ा आप वेट कर सकते हैं, वेट एंड वॉच कर सकते हैं। इंट्राडे के लोगों को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, मार्केट कहीं भी ओपन हो दो, आप आपके लेवल के ऊपर ट्रेडिंग करो और लेवल को फॉलो करो। तो ये हो गया कि हमको ये गिरावट में क्या करना चाहिए। नेक्स्ट की कौन से इवेंट्स रहेंगे नेक्स्ट वीक में, तो देखिए दोस्तों कि यहाँ पे सबसे बड़ा इवेंट तो यही रहेगा कि जियो पॉलिटिकल को आपको नज़र रखना है बारीकी से पूरी तरह से। देन जो कि 1 तारीख को ऑटो डेटा आता है ये होगा, उसके ऊपर भी हमको देखना। बाकी तो मैं आपको चार्ट के ऊपर बताऊंगा कि और कौन से लेवल हो सकते हैं या मार्केट का एक्चुअली सपोर्ट और रेजिस्टेंस ले सकता है। तो चलिए हम लोग चार्ट के ऊपर जाके देखते हैं। तो दोस्तों, हम लोग शुरुआत करते हैं यहाँ पे निफ्टी से। हम लोग वीकली व्यू देख रहे हैं, तो हम लोग थोड़ा लॉन्ग टाइम फ्रेम देखेंगे। जैसे कि मंथली से हम लोग शुरू करते हैं, तो यहाँ से मंथली का हम लोग कैंडल देखते हैं, तो यहाँ पे मंथली का जो कैंडल दिख रहा है बिल्कुल ही नेगेटिव है। और यहाँ पे जो कि लास्ट मंथ से जो है कि क्लोज था उसे नीचे यहाँ पे ये दिख रहा है। और नदी का जैसे कि अगर हम लोग ये लो देखेंगे तो 16,400, तो ये लो से भी नीचे गया था, बट इसके नीचे नजदीक वाला लो है, नियर लो से फिर से ऊपर ये क्लोज हुआ है। तो अगर जो कि मंथली में अगर 16,400 के नीचे क्लोज होता है तो ये यहाँ पे नेगेटिव हो सकता है, यानी कि अभी मंथ को खाली एक ही दिन बचा है। हम लोग वीकली देखेंगे, तो वीकली में देखें कि मार्केट ने जो है कि नियर लो है उसको ब्रिज किया है, तो नियर लो को ब्रिज करना एक नेगेटिव होता है अगर इसके ऊपर भी क्लोज हुआ है ये जो लो है। तो जैसे कि हाई को अगर ब्रिज करता है तो ये पॉजिटिव होता है। पहले भी हाई देख लीजिए आप, अगर आप वीकली में देख रहे हो, जब भी हाई को ब्रिज किया है मार्केट ऊपर गया, और जब भी जो लो को ब्रिज किया है तो मार्केट नीचे आया। तो यहाँ पे मार्केट ने थोड़ा ये जो लो था इसको ब्रिज किया है, तो यहाँ पे मार्केट थोड़ा बहुत यहाँ पे नेगेटिव है।
और अगर मार्केट को पॉजिटिव होना है तो ये जो आप यहाँ पे देख रहे हो ए पर्टिकुलर लेवल, इसके ऊपर मार्केट क्लोज होता है तो ही एक स्ट्रांग हो जाएगा। इसके नीचे मार्केट ने ऑलरेडी ब्रीच किया है तो नेगेटिव साइड जाने का ज्यादा चांसेस यहाँ पे है। फिर भी अगर मार्केट 17,800 यहाँ पे नियर हाई है वीकली के ऊपर, इसके ऊपर क्लोज देता है तो वीकली यानी मिडियम टर्म में मार्केट स्ट्रांग हो सकता है। हम लोग डेली में देखेंगे तो डेली में मैंने आपको एक ऑलरेडी बता दिया था कि जो ट्रायंगल ब्रेकआउट हुआ है तो ट्रायंगल ब्रेकआउट का टारगेट जो मेरा आ रहा था 15,322, तो ऑलरेडी आपको मैंने बता दिया है। लेकिन ये ट्रायंगल फेल कभी होगा अगर मार्केट 16,800 यानी इसके ऊपर जाके क्लोज देता है तो ट्रायंगल का जो ब्रेकआउट था वो फेल होगा। और जो कि बड़े न्यूज रहते हैं तो इसमें ऐसे ब्रेकआउट भी होते हैं और फेल भी हो सकते हैं, या फिर ये कंटिन्यू होगा अगर ये ऊपर वाला लेवल ऊपर जाते हुए यानी कि 16,800 के ऊपर नहीं आते और जो ए लो बनाया था जो कि 16,200, जो ऐसे मैंने कहा कि ये मेरा सपोर्ट है, 16,200 के ऊपर फिर से नीचे ये क्लोज होता है तो आपको ये जो है कि 15,300 का लेवल देखने को मिल सकता है। अभी क्या हो सकता है, क्या होगा, ये हम लोग मार्केट में नहीं कह सकते क्योंकि जियो पॉलिटिकल न्यूज है और टेक्निकल भी अपने आप में बराबर वर्क होते हैं, उसको फॉलो करना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे जैसे कि मार्केट में डीप मिलता है, जैसे यहाँ पे डीप मिला था तो लॉन्ग टर्म वालों के लिए बहुत ही अच्छा ये है कि अपॉर्चुनिटीज, हम लोग इतना ऊपर से इतना टॉप से इधर यहाँ तक आ गए हैं तो ये आपको अपॉर्चुनिटीज है। रहा सवाल स्विंग ट्रेडिंग का, तो उनके यहाँ पे टॉप लॉस हो सकते हैं तो उनको आप क्वांटिटी कम करनी चाहिए। मैंने ऑलरेडी कहा है इंट्राडे और स्विंग ट्रेडिंग को क्वांटिटी बहुत कम करनी चाहिए। स्विंग ट्रेडिंग वाले कुछ दिन यहाँ पे रिलैक्स करेंगे तो भी चलेगा और इंट्राडे वाले अपॉर्चुनिटी देखना है कि जैसे मैं इंट्राडे में आपको गाइड करते ही रहता हूँ। तो हमने जो है कि निफ्टी के ओवरव्यू देखे थोड़े, तो हम लोग इंट्राडे में यानी मंडे को आप कैसे कौन से लेवल पे ट्रेड करोगे ये देखेंगे 5 मिनट के चार्ट के ऊपर। तो दोस्तों देखिए कि ये जो लेवल है 16,800 यहाँ पे अभी मार्केट चल रहा है 16,658, तो हमको और नजदीक वाला लेवल निकालना पड़ेगा बाइंग के लिए। तो अगर मंडे को हम लोग बाइंग करते हैं तो 16,717 एक राउंड फिगर है, उसके ऊपर जाते तो आप बाइंग के लिए सोच सकते हो। सेलिंग के लिए अगर हम लोग एक स्ट्रांग लेवल देंगे तो 16,600 के नीचे अगर जाता है तो आप सेल कर सकते हो। आई थे सर ऊपर अगर यहाँ पे 16,800 के यहाँ पे आके कुछ नेगेटिव कैंडल बनाता है इंट्राडे में तो फिर से आपको एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिल सकता है। और गैप डाउन होके 16,400 के यहाँ पे आने के बाद अगर 15 मिनट का कैंडल पॉजिटिव बनाता है तो आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी भी मिल सकता है। तो ट्रेडर्स ने अपॉर्चुनिटी फॉलो करना है, लेवल को फॉलो करना है, आपका मन नहीं बनाना कि पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा, जो हो रहे दो आप ट्रेड कर सकते हो। नेक्स्ट हम देखेंगे दोस्तों बैंक निफ्टी। तो बैंक निफ्टी और निफ्टी में कुछ ज्यादा फर्क नहीं है कि वैसे ही सेम यहाँ पे रिएक्शन किया है। बैंक निफ्टी जिस दिन अगर ये जो लेवल है 34,993 यानी कि 35,000 ऑलमोस्ट, तो इसके नीचे अगर क्लोज होता है तो अच्छा डाउनफॉल आ सकता है। और नदी वाला जो लेवल है 37,811 के ऊपर जाता है तो यहाँ पे रिवर्स का एक मौका यहाँ पे मिल सकता है। निफ्टी और बैंक निफ्टी में जो गैप दिख रहे हैं आपको, अगर ये मंडे को गैप फील होता है तो ये भी एक पॉजिटिव साइन हो सकता है। बट आपको लेवल को देखना है जो कि ए वाला जो लेवल है 37,300 आता है, बहुत ही अच्छा लेवल है, तो यहाँ पे भी आप नजर रख सकते हो। बैंक निफ्टी में हम लोग 5 मिनट के चार्ट के ऊपर देखेंगे कि अब मंडे को कौन से लेवल के ऊपर हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। बैंक निफ्टी मेरे ऑलरेडी लेवल्स यहाँ पे लगे हुए हैं 36,799 के ऊपर बाइंग और सेलिंग 36,356 के नीचे अगर जाता है तो आप सेल कर सकते हो। वैसे अगर गैप डाउन या गैप अप होता है तो वहां पे कौन सा कैंडल बनता है वो देख लेना, यहाँ पे आपके सामने लेवल्स भी है तो लेवल आप फॉलो कर सकते हो। दोस्तों आपने कुछ स्टॉक पूछे थे उनके बारे में मैं यहाँ पे बात करूंगा। तो पहला स्टॉक है अशोक लेलैंड, मुझे सरिता जी ने पूछा है। तो देखिए कि मार्केट कभी एक पैनिक होता है तो कभी कभी आपको टॉप लॉस ये कर लेता है, ब्रेक कर लेता है, सपोर्ट ब्रेक करता है, लेकिन फिर से अगर ग्रीन होता है तो एक अपॉर्चुनिटी होती है कि आप लोग बाय करें लेकिन विथ स्टॉप लॉस। वैसे ही ये जो है कि अशोक लेलैंड एक सपोर्ट लेवल पे आके ब्रेक करके फिर से ज्वाइन कर रहा है तो यहाँ पे अशोक लेलैंड में आप बाय कर सकते हो। 114 का यहाँ पे स्ट्रिक्ट टॉप लॉस लगा के आप यहाँ पे बाइंग कर सकते हो, एक लेवल के ऊपर है। बाकी जियो पॉलिटिकल न्यूज है तो बहुत ही कम क्वांटिटी में ट्रेड करना है। नेक्स्ट जो स्टॉक है केपीआईटी के बारे में मुझे राजीव जी ने पूछा है।
तो केपीआईटी देखिए इन बिटवीन है, अभी तक सपोर्ट लेवल पे आया नहीं है। 481 एक सपोर्ट लेवल है, यहाँ पे आने के बाद आप 444 का टॉप लॉस लगा के इसमें बाइंग कर सकते हो। नेक्स्ट जो स्टॉक है एलआईसी हाउसिंग, संजय जी ने मुझे पूछा है, तो एलआईसी हाउसिंग देखिए कि एक सपोर्ट लेवल पे है लेकिन यहाँ पे अभी तक ग्रीन कैंडल दिया नहीं, तो यहाँ पे एक पॉजिटिव कैंडल आता है तो आप 330 का टॉप लॉस लगा के इसमें बाइंग कर सकते हो। नेक्स्ट जो स्टॉक है दीपक फर्टिलाइजर के बारे में मुझे पूछा है गिरीश जी करके उन्होंने, तो दीपक फर्टिलाइजर एक अच्छे लेवल पे है, यहाँ पे 506 का टॉप लॉस लगा के आप बाइंग कर सकते हो, यहाँ पे थोड़ा पॉजिटिविटी दिख रहा है। नेक्स्ट जो है टीसीएस के बारे में मुझे रेयान करके उन्होंने पूछा है, तो देखो मोस्ट ऑफ द स्टॉक सपोर्ट लेवल से यहाँ पे बाउंस हो रहे हैं, इसमें भी आप बाइंग कर सकते हो, 3406 का टॉप लॉस लगा के आप इसमें बाइंग कर सकते हो। नेक्स्ट जो है कि विप्रो, तो यहाँ पे विप्रो देखिए कि एक रेंज में है, इसका टॉप लॉस यहाँ पे आ रहा है 533 और यहाँ पे बाइंग कर सकते हो, लेकिन इसका रेजिस्टेंस बहुत नजदीक है जो है कि 588 से लेके 572, तो यहाँ पे आपको कितना रिस्क टू रिवॉर्ड आपको फेवरेबल है तो ये आप इसमें ट्रेड कीजिए। तो दोस्तों जिन स्टॉक के बारे में मैंने आपको बताया ये मेरे टेक्निकल व्यूज है, ऐसे कुछ भी नहीं कि नेक्स्ट वीक में ये स्टॉक ऐसे चलेंगे, इसमें आपको ट्रेड करना है तो आपके फाइनेंशियल एडवाइजर का सलाह लेकर आप इसमें ट्रेड कीजिए, और जैसे जियो पॉलिटिकल न्यूज चल रहा है तो आप बहुत कम क्वांटिटी में यहाँ पे ट्रेड कीजिए। तो दोस्तों कैसे लगा वीडियो आपको, अगर अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए और आपके कमेंट भी दीजिए। दोस्तों ऐसे ही आपको टेक्निकल से सीखना है मेरे साथ यहाँ पे हमारे ऑफिस में लाइव मार्केट में या फिर ऑनलाइन भी लाइव मार्केट में, तो दिए गए नंबर के ऊपर आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और हम आप मेरे साथ टेक्निकल से सीख सकते हैं। दोस्तों यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, जय हिंद।